हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज हम करेंगे ओवरव्यू ऑफ सम फेरोज बुक्स, कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स। जी हाँ दोस्तों, शायद ये नाम आपको थोड़ा सुना सुना सा लग सकता है बिकॉज ऑलरेडी इस चैनल पर 3 फेरोज ग्राफिक नॉवेल्स का मैं अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू कर चुका हूँ, नेमली युगा, हार्ट ऑफ अ चैम्पियन एंड ऑडेशियस ब्रदर्स। सो गाइस, ये तीनों के अलावा भी ढेर सारे और ग्राफिक नॉवेल्स है फेरोज बुक्स के द्वारा पब्लिश किया गया। दे हैव अराउंड 35-40 ग्राफिक नॉवेल्स ऑलरेडी। सो आज मैं उनमें से और 7 ग्राफिक नॉवेल्स का ओवरव्यू अभी इस वीडियो में करने वाला हूँ दोस्तों, स्टार्टिंग विथ सर्कस। सो गाइस, ये रहा इसका फ्रंट कवर, ये रहा इसका बैक कवर, जहां पर छोटा सा एक सिनॉप्सिस दिया गया है। व्हेन अ यंग जीनियस इज असैसिनेटेड, a group of humans with strange powers are blamed for the murder. On the run from the authorities, a secret society and an ancient alien race, the group uncover an earth-shattering secret that could spell the end of mankind as we know it. So guys, yahan par mystery hai, aliens hai, monsters hai, secret society hai. So yeah, a lot of things are going on. There are some superhumans as well. So, एक हॉचपॉच है, so without any further delay, let's have a look at it. दोस्तों, पेपर क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट है, इट्स नॉट अवर टिपिकल ग्लॉसी और मैट, एक हल्का सा शाइन सा है, इफ यू कैन सी इट और नॉट, एक ग्लिटरी इफेक्ट जैसा है एंड इट्स क्वाइट सरियल। कलर का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा हुआ है, कलर प्रोडक्शन अच्छा हुआ है एंड या ओवरऑल इट्स अ गुड फीलिंग। बाइंडिंग भी काफी अच्छा है दोस्तों, मैं इसको बढ़िया तरीके से स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, खास गटर लॉस भी है नहीं। आर्टवर्क भी जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स क्वाइट गुड, कलरिंग भी अच्छा ही हुआ है। वाओ, हॉरर एलिमेंट्स भी है लग रहा है, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रास दिया गया है, सो कुछ इश्यूज कलेक्टेड है इसमें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3rd इशू का कवर का स्केच है, यहाँ पर कुछ और वेरिएंट कवर्स है। ऑसम, सो दी एंड है, यानी कि एक कंप्लीट स्टोरी आपको इसके अंदर मिलेगा। इसका प्राइस है ₹850। सो दिस इज द थिकनेस एंड दिस इज द स्पाइन। नेक्स्ट वी हैव हुडिनी, इंटरनेशनल स्पाई। चलिए पढ़ते हैं इसका प्लॉट सिनॉप्सिस। हुडिनी, मैजिशियन, एस्केप आर्टिस्ट, इंटरनेशनल स्पाई। टू काउंटलेस फैंस अराउंड द ग्लोब, हैरी हुडिनी इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैजिशियन। To the US government, he is the most brilliant spy operating at the dawn of the dangerous and dynamic 20th century. Fresh from his sold-out run at London's famed Alhambra Theatre, Houdini is dispatched to Vienna to locate Dr. Wallace Prescott, a foremost expert in the field of infectious diseases, who went missing from an international conference. What starts out as a simple missing person case becomes a race against time as Houdini must conjure all his physical skills and tricks to thwart a madman hell-bent on releasing a modern-day plague. So guys, Harry Houdini यहाँ पर एक spy है जो कि एक biowar को रोकने का जीजान कोशिश कर रहा है. Let's have a look inside. So guys, ये black and white में है, artwork बहुत ही बढ़िया है, but yeah, अगर ये color में होता तो ये और भी बेहतरीन लगता दोस्तों. That's for sure. फिलहाल just have a look at it. So ये दोस्तों शायद एक complete story नहीं है, एक story arc ही complete हुआ है, to be continued है, so the saga will continue. Harry Houdini will have more adventures in the future. Next we have Saving Mano. So it is an inspiring and uplifting memoir about one small town teacher's eye-opening travel around the world and his relentless efforts to rescue a chimp in danger. So एक छोटा सा शहर का एक टीचर के बारे में ये स्टोरी है, जो एक एक्सप्लोरर टाइप का इंसान है। He travels a lot
और वो एक चिंपैंजी को एक मुश्किल हालात से कैसे बचाता है, उसी के बारे में है ये स्टोरी। जितना मुझे पता है दोस्तों, दिस इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, बट आई डोंट नॉट नो मच अबाउट इट। आई गेस आई हैव टू रीड दिस कॉमिक्स और आई शुड से दिस ग्राफिक नॉवल टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट। सो दिस इज हाउ द आर्ट वर्क लुक्स, इट्स क्वाइट गुड। देयर इज आवर गांधी जी, a lot of speech bubbles, that's not a good sign of good storytelling. So here are the animals, this chimpanzee. So yeah guys, iska price rupees 450 aur Houdini ka price rupees 175. Anyway, next we will take a look at Kate and William, a very public love story. ये रहा फ्रंट कवर और सेम फ्रंट कवर को बैक कवर में भी यूज किया गया है। इसका प्राइस रुपीज 399। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट द जॉनरा बाय जस्ट लुकिंग एट द कवर, और कोई प्लॉट सिनॉप्सिस भी नहीं दिया गया है, सो आई डोंट नो मच अबाउट द स्टोरी ईदर। आई थिंक इंग्लैंड है, देयर इज दिस विक्टोरियन स्टफ गोइंग ऑन, देयर इज दिस ज्वेलरी एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट मैरिड और समथिंग, आई डोंट नो गाइस। सो या लव स्टोरी तो है ही, देर इज फैशन स्टफ एज वेल, ओके नाइस, ऑल गुड। दोस्तों एक बात तो पक्का है कि इन सब का प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और बाइंडिंग भी लाजवाब है दोस्तों। बस हाँ, पेपर थोड़ा थिन है, बट या इट डजेंट रियली मैटर दैट मच। So yeah, finally some marriage is going on and I think that's the end of the story. Next we have Meet. So Meet ka full form kya hai wo abhi hum jaan payenge. So let's read the plot synopsis at the back. Humanity has faced the wrath of multiple post-apocalyptic threats. Zombie plagues, rampant kaiju and alien invasions. Cities were demolished and mankind was brought to its knees. But we fought back and won. Now the world is rebuilt and it's up to Meet, monster elimination and tactics to see that such global catastrophes never occur again. Under their vigilant watch, we are safe. Until the earth starts fighting back with a new form of life, a new form of terror. So guys, Meet stands for monster elimination and tactics. So post-apocalyptic world ka scenario hai. सब कुछ तहस नहस हो चुका है, मैनकाइंड के ऊपर बहुत सारा खतरा आकर टल भी चुका है, चाहे वो एलियंस हो, मॉन्स्टर्स हो या जॉम्बीज हो, मैनकाइंड हैज स्टिल सर्वाइव्ड, बट नाउ देयर इज दिस टीम हु इज इंश्योरिंग दैट मैनकाइंड कैरीज ऑन, ह्यूमन बींग्स एक्सटिंक्ट ना हो जाए, बट स्टिल देयर आर सम न्यू थ्रेट्स दैट आर इमर्जिंग और इन थ्रेट्स से लड़ने के लिए मीट है तैयार। सो लेट्स हैव अ लुक इनसाइड। आर्टवर्क बहुत बढ़िया है, really very impressive artwork, so far so good. I'm quite intrigued by the overall presentation and I'm definitely going to read it sometime soon. So humankind ke upar ye new threat kya hai, usse meet kaise ladta hai, ye sab janne ke liye aapko padhna padega ye volume. So yahan par story khatam hota hai. There are some cover galleries. दोस्तों फेरोज बुक्स डिजर्व सम एप्रिशिएशन, दैट फॉर श्योर, बिकॉज काफी कुछ ऑलरेडी वो लोग पब्लिश कर चुके हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे देयर लिस्ट ऑफ ग्राफिक नॉवेल्स सो फार, देयर आर अ बंच ऑफ देम दैट आई नीड टू कलेक्ट एंड रीड, सो या आई एम गोइंग टू हैव माय हैंड्स फुल विद फेरोज बुक्स इन द रीसेंट टाइम्स। नेक्स्ट वी हैव गीक गर्ल, ये पब्लिशर मुझे बहुत ही ज्यादा रिकमेंड किया है, इट इज वेल क्रिटिकली अक्लेम्ड, बहुत सारे रीडर्स को यह बहुत ज्यादा पसंद आया है। सो गीक गर्ल के बारे में थोड़ा प्लॉट सिनॉप्सिस पढ़ लेते हैं। When little Miss Popular Ruby Kyle lands a pair of super tech glasses in a game of strip poker, she is granted flight, super strength and due to flaw in the glasses programming, super clumsiness. And this is just the beginning of the changes that the glasses will wreak on Ruby. Trying to be a superhero, Ruby stumbles across a mysterious and extremely dangerous new villain, taking down her town's numero uno heroine.
and is forced to step up and use her powers for more than just accidentally knocking drinks over her friends. Geek Girl is entering the superhero big leagues, ready or not? So guys, इसमें चार issues collected है और उन चारों issues का cover यहाँ पर दिया गया है. So ये एक compiled edition है, complete story आपको इसके अंदर मिलेगा. Ruby is the protagonist and एक super glasses उसे मिलता है और वो चश्मा पहनते ही उसके पास आ जाता है super strength, flight और थोड़ा clumsy भी बन जाती है वो, because वो glass बिल्कुल perfectly नहीं बना है, उसका programming में कुछ errors है. So guys, ये भी मुझे काफी interesting लगा. It's a superhero comic but it has some originality to it and yeah, overall मुझे cover और back cover अच्छा लगा है, लेकिन inside artwork कैसा है वो भी देखना बहुत जरूरी है. So this is Geek Girl Volume 1 Lightning Strikes. Here are the creators and here is the awesome artwork. Wow, amazing. So yeah, I can see why it is highly recommended. Okay. Nice. तो यहाँ पर स्टोरी खत्म होता है. यार सम वेरिएंट कवर गैलरी. सो गीक गर्ल को डेडिकेट करके एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है. इसका प्राइस है ₹9.99, मीट का प्राइस है ₹8.50 एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सांता क्लॉस वर्सेस द नाजीस. और डायमेंशन का बात करें तो दिस इज द बिगेस्ट सो फार, बिकॉज बाकी जो भी मैं आपको दिखाया, चाहे गीक गर्ल हो, मीट हो, केट एंड विलियम हो, सेविंग मन्नो हो, या फिर हुडिनी या सर्कस, ये सारे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कॉमिक बुक से थोड़ा छोटा है. सो लेट्स यू नो कंपेयर इट फर्स्ट. सो राज कॉमिक्स आप देख सकते हैं, ये काफी बड़ा है. रिसेंटली पब्लिश्ड N1 से भी ये बड़ा है, बस थोड़ा सा बड़ा है, बट स्टिल इट्स लार्जर. US स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज से थोड़ा छोटा है, एज यू कैन सी both in length and breadth, but जो Santa Claus है वो काफी बड़ा है. It's I think in prestige format. So ये रहा you know rest of the comics और ये रहा Santa Claus versus Nazis. Here is an US standard international size comic book. So yeah, it's pretty big. Let's read the plot synopsis. What did you do in the war, Santa? During the invasion in Russia in 1940, German troops stationed in Lapland discover a mysterious village nestled in the mountains. A village that makes toys for children, run by a man with big white beard. You know who he is, right? Hitler realizes its significance at once. Wars are owned by industry, and Santa Claus has the greatest industrial capacity in the entire world. If he can deliver a present to every children in the world in a single night, Hitler could do the same with a bomb. Whoever controls Santa's factory will win the war. दोस्तों कंसेप्ट बेमिसाल है. सो सांता क्लॉस क्रिसमस के रात हर एक बच्चे को प्रेजेंट देकर जाता है. सो एक रात में इतना सारा डिलीवरीज इतना एफिशिएंटली वो करते आ रहे हैं और हिटलर अपने फायदे के लिए इस चीज को एक्सप्लॉइट करने के फिराक में है. सो क्या होगा अगर हिटलर इस चीज को एक्सप्लॉइट कर पाए और सांता का फैक्ट्री को यूज कर पाए ताकि हर एक घर पर वो एक बॉम्ब ड्रॉप कर पाए. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट्स क्वाइट इनोवेटिव एंड आई एम रियली जेन्युइनली इंप्रेस्ड बाय इट. थोड़ा फनी जरूर होने वाला है ये, बट इंट्रिगिंग नॉनदलेस. लेट्स हैव अ लुक एट द आर्टवर्क. सो इट्स अ बिट कार्टूनी, इट्स अ बिट रफ, बट इट्स गुड, इट्स नॉट बैड बाय एनी मीन्स. सो या so far out of all the 7 books that I have overviewed, this one is the most interesting in terms of the plot synopsis, that's for sure. That's a lovely last page. So anyway guys, that's the overview for today. ये रहा वो 7 graphic novels जो मैं अभी आपके सामने overview किया. आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा है. इन सारे कॉमिक बुक्स या आप कह सकते हैं ग्राफिक नॉवेल्स का जो लिंक है अमेज़न वाला लिंक,
वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे और भी फेरोज बुक्स की तरफ से जो सारे ग्राफिक नॉवेल्स हैं उनका अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू इस चैनल में आता रहेगा। सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ यहाँ से इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो गलती से भी मत भूलिएगा। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन नहीं दबाए तो आपसे फ्यूचर में कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिस हो सकता है जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। So with that being said, I'll wrap up today's video here. But before I wrap it up for good, let me tell you what Feroz Books is all about. Feroz Books एक India-based publishing house है जो ढेर सारे genres या ढेर सारे forms of literature को अपने wing के अंडर publish करते हैं। चाहे वो novels हो, story books हो, biographies हो, coloring books हो, या फिर हमारा graphic novels या comic books ही क्यों ना हो, they publish everything. So let's have a look at their wide range of products. Apart from publishing pre-made content, they also make their own new fresh content with the help of Indian or foreign creators, or by taking the rights of an individual or company and publishing their content under the umbrella of Feroz Books. So you can access a wide range of intellectual properties. And as you can see on screen, we are moving towards the graphic novels and comic books wala section, jo ki filled hai with ढेर सारे titles which you must check out. So guys, aaj ke liye bas itna hi. Agar aap Feroz Books mein interested hai, do check them out on Amazon or visit their website. Filhal unke website par kuch payment gateways ka issues hai, so I think it would be better to go and buy it from Amazon. Do let me know ki aaj ke is overview video mein aapko kaun sa book sabse zyada pasand aaya. जाते जाते कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।